Your question is, see here. Your question is, a weight of 1 kg is suspended from the lower end of the wire. A cross section 10 mm square. Find magnitude and direction of the stress produced in it. This is 9 meter second minus 2. ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए एक वायर है ना, ठीक है, ये आपका वायर है। इस वायर पर क्या करें, एक एंड को रिलीज सपोर्ट से हैंग कर दिया जा रहा है और दूसरे एंड को क्या करें, फ्रेम पर जो है 1 केजी का वेट हैंग कर दे, 1 केजी का वेट हैंग कर दे, एंपल वन। इसमें कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ये चीज आपको बताना है ना, ठीक है। तो देखिए क्रॉस सेक्शन इन्होंने ये दे रखा है, तो मास एम केबल कितना दिया है, 1 केजी, ठीक है। मास केबल क्या दिया, 1 केजी ना, ठीक है। और जी केबल कितना दिया है, जी केबल 9.8 मीटर सेकंड माइनस 2 दिया है। क्रॉस सेक्शन केबल कितना बताओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो है आपका 10 मिलीमीटर स्क्वायर, क्या है 10 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदल देते हैं। तो 1 मिलीमीटर में हाउ मेनी मीटर इन 1 मिलीमीटर, 10^-3 ना, एक मीटर में, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 मीटर 1000 मिलीमीटर होगा है, तो 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, 10^-3 मीटर हो जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे 10^-6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -6। तो मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल देंगे क्या मिलेगा, तो चेंज मिलीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई मिलीमीटर स्क्वायर बाय 10^-6 है ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलने के लिए क्या करते हैं, 10^-4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, ये 1 × 10^-5 मीटर स्क्वायर हो गया है ना। अब तुमको स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस इक्वल टू कितना होगा बताओ, स्ट्रेस इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स के वैल्यू किसके बराबर होगा, वेट सस्पेंडेड, रिस्टोरिंग फोर्स के वैल्यू किसके बराबर होगा, वेट सस्पेंडेड बट इन अपोजिट डायरेक्शन ना, तो वेट डाउनवर्ड है, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर होगा, ठीक है। अब इसे वैल्यू रख देते हैं, तो एम की वैल्यू 1 है, 1 रख दीजिए, इसके वैल्यू 9.8 रख दीजिए, इसके वैल्यू 10^-5 रख दीजिए, तो इसको ऊपर ले लेते हो जाएगा 9.8 × 10^5 न्यूटन मीटर माइनस टू, ये आंसर, ठीक है। सी वाला आंसर ऐसे देखिए है कितना सही है, चलो कॉपी कर लो।